तो सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों अभी हमारे दीप्ति लोधी का दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं। और इनको हम पहले माला से स्वागत करेंगे। तो दोस्तों आज हम दीप्ति से जानते हैं, दीप्ति के मध्य दिल्ली पुलिस में कितने नंबर थे। ये हमारे पास दिल्ली पुलिस की फिजिकली तैयारी करना आया था। करीबन इन्होंने 2 से 2.5 महीने तैयारी करी और इनका फिजिकल, मेडिकल और फाइनली इनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो कब इनकी ज्वाइनिंग? सर 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। तो इन्हीं से जानते हैं कितने क्या मार्क्स थे, क्या कैटेगरी थी। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो वीडियो देख के मोटिवेट भी होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नए वीडियो भी देखते हैं तो उनको दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी मिल जाती है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है उस टाइम तैयारी करने में लग जाते हैं और फॉर्म डालते हैं और एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, पर उनके पास वॉइस की बात करूँ तो लाइसेंस ना होने के कारण फिजिकल के टाइम वो बाहर हो जाते हैं। यदि आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और जो स्टेट पुलिस होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, और दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो इसमें लाइसेंस और आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ये होना अनिवार्य है। यदि आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस में जाना हो चाहते हो, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस कम से कम 4 से 5 महीने बनते हैं आपको। जैसे उस टाइम आप बनाना चाहो तो वो लाइसेंस बनता भी नहीं, और आप सोचते जुगाड़ से बना लेंगे तो लाइसेंस में जुगाड़ भी नहीं चलती है। तो आपको यदि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको लाइसेंस पहले से ही कम्प्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल के टाइम आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। तो इनसे जानते कहाँ से रहने वाले आप? सर मैं शिवपुरी के रहने वाले। शिवपुरी के रहने वाले। कहाँ से तैयारी करी थी आपने रिटर्न से? सर वो तो मैंने ऑनलाइन ही की थी, मतलब यहाँ पर रहकर ऑनलाइन ही की। कितने टाइम तक तैयारी करो दिल्ली पुलिस? सर दिल्ली पुलिस की तैयारी तो मेरे को वैसे तो टाइम हो गया काफ़ी, पर अच्छे से तैयारी तो मतलब 2-3 महीने पहले से ही की थी, मतलब एग्जाम के लिए। उससे पहले GD का दिया था तो वो भी क्वालिफाई हो गया था। कितने नंबर आ रहे आपको दिल्ली पुलिस में? मेरे 70 मार्क्स थे। 70 मार्क्स 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो उसमें क्या क्या सिलेबस होता है 100 नंबर में? 100 नंबर में सर 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है और 15 का मैथ्स रहता है और 25 की रीजनिंग रहती है, बाकी 50 नंबर की GK GS रहती है। आपकी कैटेगरी क्या है? सर मेरी OBC कैटेगरी। OBC। तो फिजिकल के लिए कितने पे कट ऑफ गया था? सर फिजिकल पे गया था 55 गया था, मतलब OBC वाला। अच्छा, और फाइनल कट ऑफ? फाइनल गया था 60। इनके कट ऑफ से 10 नंबर बड़े, उन्होंने से बड़े क्या घटे क्या? नहीं सर बस 1 नंबर बढ़ा था, मतलब 68 मतलब पॉइंट में थे तो 69 पॉइंट में, तो 70 हो गए। तो दोस्तों इनने हमारे पास काफ़ी टाइम तक सर करीब 202 पुलिस में कितने नंबर मध्य प्रदेश पुलिस में? सर MP में मेरे मतलब MP पुलिस के 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स है। तो दोस्तों मैंने ये देखा अभी, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस का इनका OBC कैटेगरी है ना, उसमें फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा। फिजिकल अच्छा है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई करा है। मैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल के बारे में बता दूँ तो गर्ल्स की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट, और हाई जंप होता है 3 फीट, और लॉन्ग जंप 10 फीट। ये आपका फिजिकल होता है नॉर्मली, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो 2 से 3 महीने तो आपका फिजिकल ये क्वालिफाई हो जाता है। तो इन्हें क्वालिफाई करा, ये मध्य प्रदेश पुलिस का भी यदि तैयारी करें तो ये भी इनका निकल सकता है, पर इनको दिल्ली पुलिस सेंट्रल की जॉब मिल गई है तो ये अब तैयारी नहीं करेंगे। पर मैंने ये देखा है कि काफ़ी बच्चे निराश हो जाते हैं और अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार आप कोई सा भी या मतलब वैकेंसी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, इसके बाद आपको धीरे धीरे एग्जाम क्वालिफाई करने लगते हैं। और होता क्या है कि स्टार्टिंग में आप तैयारी करते हो 2-3-4 साल तो बहुत सारी दिक्कत होती है, एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं होता है, और लास्ट स्टेज तो ये आ जाती है कि आप मेरिट में ऐसे 2-2 नंबर से बाहर होते हो। पर जो इस सिचुएशन में टिक जाता है ना, वो आगे निकल जाता है और अपना एग्जाम क्वालिफाई करके अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेता है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप एक एक 2-2 नंबर से बाहर हो रहे हो, आपकी एग्जाम नहीं निकल रही है काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, यदि आप कंटिन्यू मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन आपका कहीं ना कहीं चयन हो जाएगा। इसलिए आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है और मेहनत करना है, और असफलता बार बार मिलती है, सफलता एक बार मिलती है, और यदि आप लगे रहे तो एक सफलता आपको मिलना तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।